आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, सो आवर क्वेश्चन इज प्रूव दैट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद अ गिवन बेस एंड अ गिवन वर्टेक्स एंगल एन आइसोसेलिस ट्राइंगल हैज़ अ ग्रेटेस्ट बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स एंगल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ज्योमेट्रिकली करने वाले हैं। ठीक है, तो हम ये हमने एक सर्कल बनाया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हमने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी। ठीक है, हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं अपना ए बी एंड सी। दिस इज सी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, ए बी सी ये जो ट्राइंगल है इसमें हम एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। इस एंगल का एक एंगल बाइसेक्टर बनाया है ये मैंने ऐसे। ठीक है, जो कि एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये और ये एंगल इक्वल है और ये इसको सपोज डी पे कट कर रहा है। ठीक है, और आगे जाके ये मान लेती हूँ कि मैं जो सर्कल है, सर्कल को किसी पॉइंट एम पे कट करता है। अब आप क्या कीजिए, इसमें एक और ट्राइंगल बनाइए। ठीक है, एक और ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये बनाया हमने ये, ठीक है, और इसका नाम हम B1 रख लेते हैं। ठीक है, ये एक और ट्राइंगल है और ये ए बी वन सी जो ट्राइंगल है हमने आइसोसेलेस माना है। ठीक है, आइसोसेलेस है मतलब ये दो साइड्स इसकी इक्वल हैं। सेम हम इसका भी एंगल बाइसेक्टर, तो जब एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो थोड़ा ऐसे होते हुए जाएगा। ठीक है, ये ऐसे गया और ये इसने भी यहाँ पे, तो ये मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, डी वन है। ठीक है, इसने इसको एंगल बाइसेक्टर है, इसने ए सी को कहाँ पे कट किया, सपोज डी वन पे कट किया। अब आप थोड़ा इसमें गौर कीजिए, अभी हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें ये करना है कि भाई जो इसका एंगल बाइसेक्टर होगा आइसोसेलेस का, आइसोसेलेस का एंगल बाइसेक्टर कौन है, बी वन डी वन। हमें प्रूव करना है ये बड़ा होगा किसी और ट्राइंगल अगर हम बनाएं उसके एंगल बाइसेक्टर से, यानी बी डी से बड़ा प्रूव करना है। ठीक है, इससे बड़ा प्रूव करना है। अब अगर आप देखें इस फिगर को ध्यान से, तो आप बता सकते हैं कि जो बी वन एम है, बी वन एम जो है वो इस सर्कल का डायमीटर है, राइट। ये देख सकते हैं ये इसका डायमीटर है ना, और ये क्या है, बी एम क्या है, इसका कॉर्ड है। तो एक बात बताइए, जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, तो हमें पता है कि जो बी वन एम है इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल, राइट, एंड बी एम इज अ कॉर्ड। ठीक है, अब एक बात बताइए, डायमीटर तो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, तो यानी बी वन एम बड़ा होना चाहिए बी एम से, क्लियरली। ठीक है, अब अगर ये बड़ा हो गया तो हमने क्या किया, बी वन एम में हमने बी वन एम से क्या माइनस कर दिया, डी वन एम माइनस कर दिया, मतलब बी वन एम जो ये पूरा है इसमें से इतना पार्ट माइनस कर दिया। ठीक है, और इधर क्या किया, बी एम में से क्या माइनस कर दिया हमने, ये डी एम माइनस कर दिया। अब हम माइनस करने से ये इनइक्वालिटी कैसे बनी रह रही है, देखिए डी वन एम ये जो पूरा है, ये हमारा ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि जो डी वन एम है वो डी एम से तो बड़ा होने वाला है। ठीक है, डी एम से बड़ा होने वाला है, तो अगर हम बड़े वाले में से ये वाली चीज़ माइनस करो, इसमें से छोटी चीज़ माइनस, तो ये फिर भी कैसे रहने वाली है, बड़े रहने वाली है। ठीक है, तो बी वन एम माइनस डी वन एम हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा बी वन डी वन के बराबर, क्योंकि देखिए इतने पार्ट में से ये माइनस हुआ तो ये बचा, सेम अगर इस पूरे पार्ट में से ये माइनस हुआ तो हमारा क्या बचा, बी डी। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसी का वर्टेक्स जो बाइसेक्टर होता है, वो वर्टेक्स एंगल वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।